नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। काफी लंबे समय से बिहार में बालू खनन की प्रक्रिया पर पूर्ण विराम लगा हुआ है, जिससे बालू के दाम भी आसमान छू रहे थे, लेकिन अब चरणवार तरीके से बालू खनन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसी कड़ी में हाल ही में 1 अक्टूबर से बिहार के विभिन्न जिलों में बालू खनन की शुरुआत हो गई है। वहीं अब बिहार में राजधानी पटना सहित 8 जिलों में जल्द ही बालू खनन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसको लेकर नीतीश कैबिनेट ने पहले ही खनन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। हालांकि उसके बावजूद कैबिनेट का फैसला विभाग के पदाधिकारियों तक औपचारिक रूप से नहीं पहुंच पाया था, जिसके कारण घाटों की नीलामी में देरी हो रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार के 8 जिले पटना, सारण, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय जिलों में बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया होनी है। राज्य कैबिनेट की सहमति मिलने के बाद खान एवं भूतत्व विभाग ने इस दिशा में तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके बाद अब बालू घाटों का टेंडर 27 अक्टूबर को पूरा होने की संभावना है। इन 8 जिलों में बीते 6 महीने से बालू खनन के काम पर पूरी तरीके से रोक लगी हुई है, जिसको लेकर ही नए बंदोबस्तधारियों को बालू खनन की जिम्मेदारी मिलने पर स्थानीय लोगों को आसानी से उचित दाम पर बालू मिल सकेगा। इसके साथ ही सरकार को फिर से राजस्व भी मिलने लगेगा। वहीं दूसरी तरफ 1 अक्टूबर से 8 जिलों यानी कि नवादा, अरवल, बांका, बेतिया, मधेपुरा, किशनगंज, वैशाली और बक्सर में बालू खनन जारी है। हालांकि पटना सहित अन्य जिलों में बालू की कीमत प्रति 100 CFT 8 से 10 हजार रुपए है। जानकारों का कहना है कि बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड ने पटना, सारण, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय के बालू घाटों की बंदोबस्ती के लिए टेंडर निकाला है। इसके तहत एक एजेंसी को अधिकतम 2 बालू घाटों या 200 हेक्टेयर में से जो कम हो उसकी बंदोबस्ती मिलेगी। टेंडर भरने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक की तय की गई है। 21 अक्टूबर को इसकी तकनीक बिड खोली जाएगी, जिससे कि अब बिहार में बालू के दाम कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार के खान मंत्री रामजनक राम ने भरोसा दिया है कि 1 अक्टूबर से बालू खनन का काम शुरू हो जाएगा, उसके बाद सरकारी दाम पर बालू मिलने लगेगी। ज्ञात हो बालू खनन पर रोक के चलते बालू बहुत ही महंगी बेची जा रही है। बालू की कालाबाजारी भी जोरों पर है। बालू माफिया अनाप शनाप पैसों पर बालू बेचने का काम कर रहे हैं। बालू का खनन शुरू होने पर आम लोगों को राहत तो मिलेगी ही और कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी। आपको बता दें कि बालू खनन पर रोक बरसात के कारण लगाई गई थी। बहरहाल इसकी वजह से मार्केट में अवैध तरीके से काफी महंगे बालू बिकने लगे हैं। आम लोगों के साथ ही निर्माण उद्योग से जुड़े लोग खासे परेशान हुए हैं। कहा गया है कि खान विभाग सरकारी रेट पर बालू बेच रहा था, लेकिन ढुलाई के कारण वो काफी महंगी बिक रही थी। लोगों को बालू आसानी से मिल नहीं रही है, इसकी वजह से निर्माण के काम भी बेहद धीमे हो गए हैं। हालांकि अब उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार की इस पहल से आने वाले समय में बिहार में बालू के दाम तो घटेंगे ही, बालू की हो रही किल्लत से भी लोगों को निजात मिलेगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।